हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स टुडे इज अवर इंग्लिश क्लास फॉर क्लास थर्ड टू फिफ्थ टुडे इज अवर टॉपिक प्रोनाउन हिंदी में प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं नाउ वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन ए वर्ड विच इज यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन प्रोनाउन आर यूज टू Avoid repetition of a noun. It can be singular or plural. संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं इसका यूज एक वचन और बहुवचन दोनों कंडीशन में कर सकते हैं लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस आई मैं, वी हम यू तुम दे वे ही वह यह बॉयज के लिए यूज होता है सी वह यह गर्ल्स के लिए यूज होता है दिस यह दैट वह इट यह डीज ये सब दोज वो सब एक्सेट्रा लेट्स सी एग्जाम्पल सेंटेंस राम इज अपसेंट बिकॉज राम इज इल यहाँ पर राम दोनों प्लेस में रिपीट हो रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन राम की प्लेस पर ही यूज करेंगे यहां राम सिंगुलर हैं मीना इज इंटेलिजेंट मीना इज गुड इन इंग्लिश मीना की प्लेस रिपीट हो रही है यहां सुटेबल प्रोनाउन सी का यूज करेंगे मीना इज ऑल्सो सिंगुलर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन उन नाउ वी डिस्कस्ड फर्स्ट प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं वर्ड्स दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन और थिंग किसी व्यक्ति या वस्तु को सीधे तौर पर बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्व व्यक्तिवाचक सर्वनाम का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं एक तो सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर आई वी यू ही सी इट दे सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे आई मी वी अस यू यू हिम सी हर इट इट दे देम एग्जाम्पल यू आर फुल यहाँ पर यू सब्जेक्ट हैं नेहा वाज विथ मी यहाँ नेहा सब्जेक्ट है और मैं ऑब्जेक्ट हूँ अगर मैं सब्जेक्ट होती तो मेरी प्ले मेरी प्लेस पर आई यूज होता इस सेंटेंस में मेरा प्लेस ऑब्जेक्ट है इसलिए आई के स्थान पर मी यूज हुआ आई के स्थान पर मी यूज हुआ नेक्स्ट पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में अधिकार वाचक सर्वनाम कहते हैं वर्ड्स इंडिकेट पजेसिव और ओनरशिप वे शब्द जो मालिकाना और स्वामित्व को इंगित करते हैं उन्हें पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल माइन योर्स हर्स डेयर्स दिस एग्जाम्पल दिस इज माई रूम यह मेरा कमरा है दिस रूम इज माई यह कमरा मेरा है यह पजिशिव प्रोनाउन है नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं द एक्शन परफॉर्म्ड बाई द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इट्स सेल्फ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम पर्सन इस सर्वनाम में कर्ता स्वयं के द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है एग्जाम्पल ही पनिस्ड हिमसेल्फ उसने अपने आप को सजा दी यहाँ पर हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यू हैव हर्ट योर सेल्फ आपने अपने आप को दुखी किया थैंक यू